The equation of the curve passing through 2,5 and having the area triangle formed by the x-axis and the ordinate of a point of the curve and the tangent to the point 5 square unit as. तो सबसे पहले लेट्स मैं बोलता हूँ कि कर्व है हमारे उसके ऊपर कोई पॉइंट है x1, y1 ओके अब x1, y1 कर्व है और स्लोप क्या होगा स्लोप हो जाएगा dy/dx के इक्वल उस पॉइंट पे ठीक है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या जाएगी वो जाएगी y-y1 इज इक्वल टू क्या जाएगा dy/dx फिर इनटू में आ जाएगा क्या हमारे पास में x-x1 ओके तो यहां से अगर हम देखेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी सी ये x एक्सिस को कब कट करेगा जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा ठीक है तो उस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इक्वल टू सी y इज इक्वल टू 0 तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा इक्वल टू माइनस x dy/dx जाके क्या जाएगा प्लस में x dy/dx तो जाएगा x dy/dx x 1 dy/dx और फिर क्या हो जाएगा प्लस में माइनस में आएगा y1 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में dy/dx की डिवाइड कर देंगे उस पूरी इक्वेशन को ठीक है तो आएगा dy/dx तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जैसे ये हमारा एक कर्व है इसके ऊपर किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी ये उसके ऑर्डिनेट की लाइन हो गई तो ये जो ट्राइंगल का एरिया है ये हमें गिवन है इक्वल टू 5 है ना तो ये एरिया क्या हो जाएगा सी इसकी हाइट हो जाएगी किसके इक्वल ऑर्डिनेट के इक्वल y के इक्वल और ये नीचे वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी ये हो जाएगी इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया इसका x कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 है ठीक है तो ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है y1 है तो अब एरिया लिखते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ x1 सॉरी हाफ ऑफ y1 इनटू ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x-x1 के इक्वल ये आ जाएगा हमारे पास में x-x1 इसे सिंपलीफाई करते हैं और ये हमें एरिया किससे इक्वल गिवन है इट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स तो ये वैल्यू 5 के इक्वल है ठीक है तो y1 की जगह सिंपल y1 आ जाएगा हमारे पास में और x-x1 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा यहां पे -x1 करूंगा तो आएगा x1 dy/dx - y1 फिर एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा -x1 dy/dx तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से माइनस ऑफ y1 अपॉन में आ जाएगा dy/dx ये कैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में ठीक है और क्या हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट 5 ठीक है अब यहां से क्या करता हूं मैं y वाली साइड टर्म्स को एक साइड में कर लेता हूं तो इस साइड में कर लेता हूं y वाली साइड टर्म्स को तो आ जाएगा हमारे पास में क्या यहां पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है हमारे पास में अगर मैं देखूंगा तो ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ y स्क्वायर तो इधर लिखा जाता हूं मैं यहां हो जाएगा हमारे पास में dx और इस साइड में हो जाएगा मेरे पास में माइनस ऑफ 5 अपॉन y स्क्वायर ठीक है इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों साइड में तो इंटीग्रेट करूंगा तो लेट्स सी वैल्यू क्या आती है हमारे पास में इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास में ये हो जाएगी वैल्यू सी dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और जो हमारा माइनस अच्छा एक चीज हमने यहां मिस्टेक कर दी हाफ था ना तो इधर मल्टीप्लाई करके tan हो जाएगा ओके तो यहां पे हमारे पास में 2 भी रहेगा तो ये जाएगा ऊपर माइनस ऑफ tan ओके नाउ अब ये क्या हो गया x into, सी हमने क्या करा हमें पता है कि ये क्या लिखा हुआ है इनडायरेक्टली ये dy/dx एट x1, y1 ही तो लिखा हुआ था तो इसे मैंने जनरल x, y से रिप्लेस कर दिया तो इक्वेशन हो गई इंटीग्रेशन ऑफ dx और -tan/y² दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा तब कर्व की इक्वेशन मिलेगी dx का इंटीग्रेशन x हो गया इज इक्वल टू अब y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है वो होता है y की पावर -2 + 1 अपॉन -1 और हमारे पास में -tan ऑलरेडी है इसे और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट c ओके तो यहां से आ गई इक्वेशन x इज इक्वल टू व्हाट tan अपॉन y प्लस c अब हमें गिवन है किस पॉइंट से पास करता है 2,5 से तो x is equal to 2 and y is equal to 5 तो tan/5 + c तो यहां से c की वैल्यू क्या रही c is equal to 0 तो हमारा कर्व क्या रह गया कर्व हो गया अब हमारा x is equal to tan upon y तो आ जाएगा x into y is equal to 10 so this is the answer for this question okay